पूर्व दिग्विजय सिंह ने की केपी सिंह की तारीफ। कहा, हमने विशेष रणनीति के तहत उतारा था केपी सिंह को शिवपुरी से। शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से बदला जा सकता है दोबारा से कांग्रेस प्रत्याशी, ऐसी अटकलें हुई तेज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पिछोर विधायक केपी सिंह की तारीफ की। भोपाल में पत्रकारों से चर्चा के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमने शिवपुरी विधानसभा चुनाव को लेकर एक विशेष रणनीति तैयार की थी। इस रणनीति के तहत हमें सूचना मिली थी कि भाजपा की वरिष्ठ नेता को शिवपुरी से उतारा जा सकता है। वहां से ज्योतिरादित्य और यशोधरा राजे के खिलाफ हमने विशेष रणनीति बनाई थी, इसलिए हमने केपी सिंह को चुनाव के मैदान में उतारने का मन बनाया और केपी सिंह ने भी सहर्ष स्वीकार करते हुए सीट से चुनाव लड़ने की बात कही और शिवपुरी जीतने की भी बात कही। मैं और वीरेंद्र रघुवंशी बैठे थे और उन्होंने ये बात, हम लोगों ने तय किया कि तू कांग्रेस में आ जा, शिवपुरी से हम तेरे को चुनाव लड़ाएंगे, वादा किया था। मैं इसको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि जब बड़े बड़े नेताओं, बीजेपी के नेता जाने लगे कि उनको भाजपा का टिकट देगी, तो केपी सिंह जी को सिंधिया जी के खिलाफ लड़ने के लिए शिवपुरी से उनको लाया गया। और मैं तो बधाई देता हूं मैं कि शिव और केपी सिंह की इस हिम्मत को कि उन्होंने तय किया कि हां, मैं अपनी पिछोर सीट को छोड़ने के लिए तैयार हूं और मैं सिंधिया जी का मुकाबला, चाहे यशोधरा जी हो चाहे सिंधिया जी, उनका मुकाबला करने के तैयार हूं, हराऊंगा। मैं बधाई देता हूं केपी सिंह जी को और उनका टिकट डिक्लेयर हो। अब वीरेन को तो नाराज होना स्वाभाविक है, हमारी उससे बात हुई है, वीरेन मेरे पास अभी थे, हम लोग उसके बारे में सोच रहे हैं, केपी सिंह जी से बात कर रहे हैं और कोई ना कोई रास्ता हम लोग निकालें। अभी भी बदल सकता है कि पिछोर में केपी सिंह जी ने कहा कि जब तक बी फॉर्म नहीं मिल जाता मैं ढाका ही प्रत्याशी हो सकता हूं। भाई देखो, केपी मेरा प्रिय रहा है जब से वो स्टूडेंट लीडर था। वो जब स्टूडेंट लीडर हुआ करता था, पीसीसी प्रेसिडेंट हुआ करता था, तब से मैं केपी सिंह को जानता हूँ। मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, उसकी बेटी की शादी भी मेरे भांजे से हुई है। केपी सिंह हमारा अच्छा मित्र है, बड़ा प्रभावशाली नेता है और पिछोर में अच्छे अच्छे लोग चुनाव लड़ लिए, वो चुनाव हमेशा जीतता है और आज भी लोकल जो लीडर